कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जकाज शक को भिजवा दिया। कहते हैं टीम सिलेक्ट करता हूं, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है साइड पर हो जाऊं। तहकीकात के बाद पीसीबी से बैठकर बात करने को तैयार हूं। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं अब वो साबित करें। मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। पीसीबी से कहा है कि आप इस मामले की तहकीकात करें। पीसीबी ने मामले पर इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं, उभूरी जमहूरियत है। आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताखीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में लम्स के तलबा व तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पहले ही ताखीर का शिकार हो चुके। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। हमें एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी से कोई इंसानी अलमिया जन्म नहीं लेगा। विफाकी काबीना इजलास के बाद विफाकी बुजरा की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा यह ऑपरेशन किसी मखसूस तबके या कौम के खिलाफ नहीं है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को कायम मराकज में खुराक, सेहत और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। 2 लाख के करीब गैर मुल्की रजाकराना तौर पर वापस जा चुके हैं। विफाकी वजीर इत्तेलात मुर्तजा सोलंगी बोले जिन गैर मुल्कियों को भेजा जा रहा है वो किसी भी वक्त कानूनी तरीके से पाकिस्तान आ सकते हैं। और अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास। रहनुमाओं का खानेवाल के कामयाब जलसे पर इजहार मसरत। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान को मुबारकबाद दी। इजलास में दीगर शहरों में पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी का कामों की गुजरावाला, कसूर और लैया में भी वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान।